ये कल की जो जिम्मेदारी है सारी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल लेता है। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षा दल लेता है। हिंदू रक्षा दल भूपेंद्र तोमर पिंकी चौधरी ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो जेएनयू में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय पूरे देश में जेएनयू को लेकर माहौल गरमाया हुआ है और दोस्तों न्यूज़ में आपको पूरे दिन जेएनयू की बातें ही सुनने को मिलती होगी। इसी बीच आज यानी मंगलवार को एक और बड़ा अपडेट आया है जेएनयू मामले में। एक संगठन है जिसका नाम है हिंदू रक्षा दल और जिसके प्रेसिडेंट है पिंकी चौधरी नाम के एक आदमी। उन्होंने दोस्तों जिम्मेदारी ली है कि जेएनयू में हमला करने का। पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी करके ये बोला है कि जेएनयू में जो लोग हमला करने आए थे वो उनके संगठन के आदमी थे और उन्होंने ही उनको भेजा था कि मास्क पहन के जाओ और जेएनयू के छात्रों को पीट के आओ। पिंकी चौधरी ने कहा कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र एक आतंकवादी है और वो देश में रह के एंटी नेशनल गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेएनयू के छात्र देश में रहते हुए देश के खिलाफ बोलते हैं, देश का खाते हैं, पर दोस्तों वो देश के खिलाफ होते हैं। इसलिए पिंकी चौधरी ने कहा कि हमने ये एक्शन लिया, हमने अपने साथियों को कहा कि जेएनयू में जाओ और जेएनयू के बंदे को पीटो। हिंदू रक्षा दल एक ऐसा संगठन है जो अपने उपद्रवी कामों को लेके अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। 2014 में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में इन्होंने हमला किया था जिसकी वजह से पिंकी चौधरी समेत 30 हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई थी और वो कई दिनों तक जेल में भी थे। हालांकि दोस्तों पुलिस पिंकी चौधरी को सीरियसली नहीं ले रही है और सोशल मीडिया में पिंकी चौधरी का मजाक ही उड़ाया जा रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं कि पिंकी चौधरी जी अपना नाम तो सही से रख लेते, पिंकी नाम से कौन बंदा डरेगा। कुछ लोग सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि हिंदू रक्षा दल का कोई नाम नहीं जानता है, पिंकी चौधरी को ये पहचानता नहीं है, इसलिए बहती गंगा में पिंकी चौधरी हाथ धो रहे हैं। उनको पता है कि इस समय वो कोई भी बयान देते हैं, कोई भी ऊट पटांग बयान देते हैं तो न्यूज़ वाले उसको कवर करेंगे और उनका थोड़ा बहुत नाम होगा। हम आपको बता दें कि पिंकी चौधरी का असली नाम है भूपेंद्र तोमर और वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पर दोस्तों पुलिस ने कहा है कि वो पिंकी चौधरी के पास पूछताछ के लिए जाएंगे और अगर उनका बयान गलत निकलता है तो उनको सजा भी मिलेगी। हम आपको बता दें कि जेएनयू मामले में अभी तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पुलिस उन अपराधियों को पकड़ लेगी। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।